Assalamualaikum Alaikum everyone. डियर स्टूडेंट्स पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम अनाउंस किया गया है जिसमें कैंडिडेट्स पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्ट कैप्टन के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो में आपके साथ इस प्रोग्राम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आप पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.pk पे आए तो वेबसाइट के होम पेज पर आपको एरोनोटिकल इंजीनियर का ये नोटिफिकेशन नजर आ जाएगा इस प्रोग्राम के तहत डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू कैंडिडेट्स पाकिस्तान आर्मी को कैप्टन के तौर पर ज्वाइन करते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर

सरेंडर करनी होगी इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन में शामिल है कि कैंडिडेट ने बी ई इंजीनियरिंग या बी ई एवियनिक्स इंजीनियरिंग कम्प्लीट की हो और यवंबर दो हज़ार इक्कीस के मुताबिक कैंडिडेट की उम्र अट्ठाईस साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सिर्फ एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपने कोई भी और क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके अलावा कैंडिडेट्स ने ऊपर बताए गए डिग्री प्रोग्राम्स 2.5 पी आउट ऑफ फोर या एनुअल सिस्टम के मुताबिक के साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और एचीसी से रेकग्नाइज पाकिस्तानी या अब्रॉड यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट की हो फॉरन डिग्री के, के केस में कैंडिडेट्स को इक्वल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा पूरे अकेडेमिक कैरियर में कैंडिडेट का कोई थर्ड डिवीजन ना हो और सिर्फ एक सेकंड डिवीजन अलाउड है कैंडिडेट्स की फोर ईयर इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए सिर्फ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने डिग्री कम्प्लीट करने के बाद दो या तीन साल का वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया हो अगर कैंडिडेट्स के पास मतलूबा फील्ड में हायर क्वालिफिकेशन मौजूद हो तो वो पी एम ए लॉन्ग कोर्स के लिए आई एस एस बी ग्रेजुएट कोर्स और इक्वल या पाकिस्तान एयरफोर्स से दो बार रिजेक्ट भी हुआ हो तो भी अप्लाई कर सकता है और इसके बाद ऐसे कैंडिडेट जो इस साल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं यानी वो अपने फाइनल सेमेस्टर्स में हैं और इस साल एग्जाम्स देकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो वो होप सर्टिफिकेट्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसे केस में कैंडिडेट्स को 15 अक्टूबर 2021 तक अपनी फाइनल डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी होगी ऐसे कैंडिडेट जो आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में प्रीलिमिनरी टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उन्हें अपने अपलीकेशन फॉर्म के साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से वेरीफाइड डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी अटैच करनी होगी और ऐसे कैंडिडेट जो होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करेंगे तो उन्हें रिजल्ट के अनाउंसमेंट के सात दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं पहला तरीका तो ये है के इस के होम पर लिंक अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट के पास एक वैलिड ई अकाउंट होना चाहिए और चूंकि इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है इसलिए कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का दूसरा तरीका यह है कि कैंडिडेट्स किसी भी करीबी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ऐसे केस में कैंडिडेट्स को तमाम जरूरी साथ ले जाने होंगे और प्रोस्पेक्टस फी एक सौ रुपया भी हमरा लानी होगी रजिस्ट्रेशन बारह जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख छह अगस्त है। प्रीलिमिन्री टेस्ट 16 और 17 अगस्त को होंगे सबसे पहले कैंडिडेट्स का इंटेलिजेंस और डिग्री लेवल पर एकेडमिक टेस्ट लिया जाएगा एकेडमिक टेस्ट मल्टीपल चॉइस पर मुश्तमिल होगा जो कि आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में ही लिया जाएगा जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस और अकेडेमिक टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होगा और इसके बाद कैंडिडेट्स का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा जिसमें एक शारिया छह किलोमीटर की रनिंग नौ मिनट्स में कम्पलीट करनी होगी दो मिनट में दस मिनट में दस सेटअप्स और दो मिनट में दो चिनअप्स करने होंगे इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को आई

पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में छः माह की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी और फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ एक बॉन्ड साइन किया जाएगा कि वो पाकिस्तान आर्मी को कम से कम सात साल के लिए लाजमी सर्व करेंगे ये सात साल मिनिमम टाइम पीरियड है और कैंडिडेट्स चाहें तो इसके बाद भी अपनी सर्विस कंटिन्यू रख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू एयोनोटिकल इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन करने के प्रोग्राम से रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए या आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में डायरेक्टली जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पाकिस्तान के तमाम आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर्स के कॉन्टैक्ट्स की डिटेल इस पेज पर दी गई है आप अपने किसी भी करीबी शहर की आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फर्दर इफॉर्मेशन ले सकते हैं